बहुत जल्द ही नाक के जरिए भी लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा सकेगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद अब देश में नेजल वैक्सीन बनाई जा रही है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद स्थित कंपनी भारत बायोटेक ही इस नेजल स्प्रे वैक्सीन को तैयार कर रही है। खबरों की माने तो भारत बायोटेक की लेबोरेटरी में जानवरों पर इसके परीक्षण जारी है और शुरुआती चरण में ये सफल भी रहे हैं। इसके साथ ही इंसानों के लिए ये वैक्सीन सेफ है या नहीं, इसकी जांच के लिए भारत के ड्रग रेगुलेटर की एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी दे दी है। नेजल स्प्रे वैक्सीन के जरिए डोज को नाक के जरिए सीधा शरीर के अंदर पहुंचाया जाएगा।